सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए जो ये टॉपिक लेके आया हूँ, टॉपिक का नाम है वेब पब्लिशिंग टूल। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम वेब पब्लिश करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं और हमें किन किन टूल्स की आवश्यकताएं या कंपोनेंट की आवश्यकताएं पड़ती हैं। यानी कि ये हुई कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और आप ये चाहते हैं कि उस वेबसाइट को हम सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सके, सभी आपकी वेबसाइट को देख सके, तब आपके लिए क्या कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है वो मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के वेब पब्लिशिंग टूल हैं, जिसे हम लोग HTML एडिटर भी कहते हैं, जिसमें आपको कोडिंग लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें इनबिल्ट कंपोनेंट मिलते हैं, टेम्पलेट मिलते हैं, विजार्ड मिलते हैं, आपको केवल उनको उपयोग ही लेना पड़ता है। बैक साइड की कोडिंग ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। मैं अधिक से अधिक वेब पब्लिशिंग टूल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप गौर से देखिएगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो है नेटस्केप नेविगेटर गोल्ड। नाम है नेटस्केप नेविगेटर गोल्ड। वही जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में सभी में आपको इसी तरीके से समझाया था कि पहले हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम टॉपिक को समझ सके कि टॉपिक क्या है, फिर हम लोग कंप्यूटर शिक्षक भर्ती और पटवारी जो भर्ती है उससे संबंधित आगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, नेटस्केप नेविगेटर गोल्ड होता क्या है। ये एक विजुअल एडिटिंग एनवायरनमेंट है। विजुअल एडिटिंग एनवायरनमेंट का मतलब वही बात जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारे कंपोनेंट बने हुए होते हैं, GUI बेस्ड होते हैं, आपको केवल उस कंपोनेंट को उपयोग ही लेना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं विजुअल एडिटिंग एनवायरनमेंट। इसमें HTML की कोडिंग वो जो है वो ट्रू HTML कोडिंग प्रोवाइड कराता है, जो कि अगर आपने कोडिंग लिखी है तो वो यूजर से हाइड रहती है। मतलब यूजर अगर आपकी कोडिंग प्राप्त करना चाहे तो उसे आप बचा सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें टेम्पलेट और विजार्ड की फैसिलिटी होती है। टेम्पलेट होते क्या है? बने बनाए इनबिल्ट पैकेज फॉर्म्स। मतलब टेम्पलेट में पहले से आपके जो डिजाइनिंग है, कंसेप्ट है, वो बना हुआ रहता है, आपको सीधे उसको उपयोग ही लेना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। और विजार्ड क्या होता है? विजार्ड होता है एक बॉक्स के बाद, एक डायलॉग बॉक्स के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आता है। इस तरह से अगर आप वन बाई वन सभी विजार्ड के आउटपुट को कंप्लीट करते हैं, प्रोसेसिंग को कंप्लीट करते हैं, तो आपके सामने आउटपुट आ जाता है। इसी अलावा इसके अंदर जो नेटस्केप नेविगेटर गोल्ड है उसमें आप सभी प्रकार के इंसर्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना जो टूल है उसका नाम है मैक्रोमीडिया बैकस्टेज डेस्कटॉप स्टूडियो। वापस से नाम नोट कीजिएगा, मैक्रोमीडिया बैकस्टेज डेस्कटॉप स्टूडियो। ये आपको एंड टू एंड वेबसाइट बनाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और असेंबल करने में आपकी मदद करता है। मतलब आप वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और असेंबल कर सकते हैं। एक है ये कौन से कंसेप्ट पे काम करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आप बोलेंगे ये WYSIWYG, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो आप बोलेंगे व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। वापस से सुनिएगा, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। क्या आप देखते हैं वही आप बना सकते हैं। ड्रैग ड्रॉप की फैसिलिटी होती है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हमारे कंपोनेंट बने हुए होते हैं, कंपोनेंट को उठा के सीधा उसमें रख सकते हैं, तो इसमें ड्रैग ड्रॉप की फैसिलिटी रहती है। डायनेमिक वेबसाइट, मल्टीमीडिया और डेटाबेस, तीनों काम इसमें मिलते हैं। डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट का क्या मीनिंग रहता है? डायनेमिक जिसमें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार आपको इनपुट दे सकता है, जहां आप डेटाबेस के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आपकी सूचनाएं डेटाबेस के अंदर स्टोर रह सकती हैं, और डायनेमिक रन टाइम में आप उसे चेंजेस कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के सारे कंसेप्ट जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया,
टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गए, वो सारे आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैक्रोमीडिया बैकस्टेज में आपको ये सारी सुविधाएं मिलती है, डायनेमिक मिलता है, मल्टीमीडिया मिलता है और डेटाबेस की सुविधा मिलती है। हमारा जो नेक्स्ट जो है वेब पब्लिशिंग टूल, उसका नाम है एडोब पेज मिल। नाम नोट कीजिएगा, एडोब पेज मिल। ये आपको क्या क्या फैसिलिटी देता है? जो पुरानी फैसिलिटी है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, फॉर्म्स है, ग्राफिक्स इसके अंदर है, फॉर्मेटिंग है जो मैंने आपको बताया था, डिजाइनिंग विजाइनिंग अगर आप देना चाहें। ये दोनों मोड में काम करता है, ब्राउजर मोड और एडिटर मोड। ब्राउजर मोड मतलब अगर आप उसको देखना चाहते हैं ब्राउजर के अंदर किसी में, तब आप उसके अंदर देख भी सकते हैं, और एडिटिंग करना चाहें तो आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया जो फैसिलिटी है वो इसे पाई जाती है आरटीएफ की। आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आरटीएफ होता क्या है? आरटीएफ होता है कि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को आरटीएफ फॉर्मेट में रखते हैं तो आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जा सकते हैं, कहीं पर भी आप उसे डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी फैसिलिटी पाई जाती है? आरटीएफ की। इसीलिए इसमें लिखा गया है क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे रन कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी वेबसाइट पे आप इसको उपयोग ले सकते हैं। फॉर्मेटिंग इसमें लॉस नहीं होता है, वही सेम सुविधाएं इसमें, ग्राफिक्स भी होता है, इमेज भी है, शेप्स भी है, यूआरएल भी अगर आप कोई ऐड करना चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है साइट मिल है। आप ये समझिए कि ये सारी फैसिलिटी साइट मिल में है। परफेक्ट अगर आप टूल कहते हैं, वेब डिजाइनिंग टूल कहते हैं, वेब पब्लिशिंग टूल अगर आप कहते हैं, तो वो साइट मिल है, जिसमें आप मैनेजिंग की और एडिटिंग की दोनों फैसिलिटी मिलती है। तो अभी तक हमने कौन कौन से टूल पढ़े? नेटस्केप, मैक्रोमीडिया बैकस्टेज, एडोब पेज मिल और साइट मिल। एक नेक्स्ट जो टूल है उसका नाम है हॉट डॉग। नाम सुनिएगा, हॉट डॉग। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर दोनों प्रकार के ब्राउजर को सपोर्ट करता है। सबसे अलग जो सुविधा है इसमें, मल्टीपल डॉक्यूमेंट आप एक साथ में, कई जो वेब पेजेस है वो आप साथ में ओपन कर सकते हैं, वो वेब पेजेस आपस में मिलके काम कर सकते हैं, उन्हें आप एक साथ में एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी काम किया है उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, बिना सेव किए देख सकते हैं। एडवांस करेक्शन सिस्टम होता है, जैसे कि हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई कोडिंग में गलती हो जाती है, आपको डिजाइनिंग कंसेप्ट आपको लगता है कि यार ये ऐसा डिजाइनिंग कंसेप्ट होना चाहिए, तो वो डिजाइनिंग कंसेप्ट भी आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसे बोलते हैं एडवांस करेक्शन सिस्टम। इसमें आप टैग है, लिंक है और टेबल है, फ्रेम है। मतलब अगर टेबल के रूप में फ्रेम बनाकर या कोई टैग अगर आप देना चाहते हैं तब आप इसमें दे सकते हैं। सबसे बढ़िया फैसिलिटी इसमें यह है कि अनलिमिटेड साइज की वेबसाइट अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं दे सकते हैं। तो टेबल फैसिलिटी कौन से के अंदर है? हॉट डॉग के अंदर है। लिंक कौन सा प्रोवाइड कराता है? हॉट डॉग प्रोवाइड कराता है। टैग, टेबल, फ्रेम, ये सारे आप किस में मिलेंगे? हॉट डॉग में। जैसे कि इसमें इमेज, शेप और यूआरएल मिल रहे थे आपके एडोब पेज मिल में। अब अपना नेक्स्ट जो वेब पब्लिशिंग टूल है उसका नाम है हॉट मेटल। हॉट मेटल क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? आप HTML की तो कोडिंग सब में कर ही रहे हैं, JavaScript, Shockwave कंसेप्ट और ActiveScript भी अगर आप शामिल करना चाहें तो हॉट मेटल सबसे बढ़िया वेब पब्लिशिंग टूल आपके लिए रहेगा। JavaScript, Java Active Tools या Shockwave अगर आप यूज कर रहे हैं। एक फ्रीवेयर एडिटर है। फ्रीवेयर एडिटर मैंने आपको बताया था जो फ्री में आपको उपलब्ध रहता है, लेकिन कॉपीराइट का उसमें कंसेप्ट शामिल रहता है कि आप उसका जैसा दूसरा टूल नहीं बना सकते। माइक्रोसॉफ्ट जो फ्रंट पेज है वो सेम कंसेप्ट या मैक्रोमीडिया का जो कंसेप्ट है, माइक्रोसॉफ्ट खुद का भी एक HTML एडिटर प्रोवाइड कराता है जिसको बोलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट एडिटर। वो सेम सुविधा इसके अंदर रहती है। आप साथ में ये सेम कंसेप्ट WYSIWYG या ये मल्टीपल ब्राउजर जो मैंने आपको बताया था, हॉट डॉग में मल्टीपल ब्राउजर आप ओपन कर सकते थे, या मैक्रोमीडिया वाला जो कंसेप्ट है WYSIWYG का कंसेप्ट इसके अंदर है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है? विंडोज को करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। एडवांस
ऑथोरिटी और ऑटोमेटिक कन्वर्जन, जैसा कि इसमें थी, कुछ गलती अगर आपसे हो जाए, कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो इजीली आप लोग इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो एडवांस ऑथोरिटी सिक्योरिटी इसमें अच्छी रहती है हॉट मेटल के अंदर, और जो ये करेक्शन वाली जो तकनीक है जो हॉट डॉग में थी वो सेम इसके अंदर भी आपके रहती है। जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें टेम्पलेट है और आपके एडिटर है, बिल्ट इन ग्राफिक्स है, ये सारी फैसिलिटी भी इसके अंदर रहेगी। मतलब जो बाकी की जो विशेषताएं थी, जैसे टेम्पलेट वाली मैंने आपको बताई थी सुविधा इसके अंदर होती है, टेम्पलेटो विजार्ड की इसमें थी, और इसी तरह से ये सुविधा इसके अंदर भी आपकी रहेगी। तो ये फैसिलिटी सबसे अधिक जो फैसिलिटी है हॉट मेटल के अंदर है। नेक्स्ट जो है आप नाम समझिए, गो लाइव वेब पब्लिशिंग टूल है। आप इसमें बता सकते हैं कि ड्रैग ड्रॉप की फैसिलिटी होती है, कटिंग एजेस की कुछ एरिया आपको, सेलेक्टेड एरिया आपको लेना है तो ये फैसिलिटी भी आपको गो लाइव प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो वेब पब्लिशिंग टूल है उसका नाम है वेब एडिटर। शॉर्टकट कीज है इसमें, जैसे लगभग सभी में ही है, लेकिन इसमें अधिकतम शॉर्टकट कीज है किसके अंदर, हमारे वेब एडिट के अंदर। फॉर्म्स फ्रेम जो कि पहले वाले जो आपके थे फॉर्म्स बने हुए रहते हैं, फॉर्म्स आपको बनाने हो फीडबैक लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो ये आपको प्रोवाइड कराएगा। मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन, जैसे पुराने जो वेब पब्लिशिंग टूल मैंने आपको बताए थे, कई वेब पब्लिशिंग पेज आप एक साथ में ओपन कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, ये सेम फैसिलिटी आपकी इसके अंदर भी मिलेगी वेब एडिटर में। और अब सबसे लास्ट में मैं जो आपका वेब पब्लिशिंग टूल ले रहा हूं उसका नाम है ड्रीमवीवर। ड्रीमवीवर जो ई कॉमर्स और ई बिजनेस वेबसाइट जो हम लोग बनाते हैं उसके अंदर सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो वेब पब्लिशिंग टूल है, जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको आज बताए ड्रीमवीवर के अलावा भी आप दूसरे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी उपयोग, वेब पब्लिशिंग टूल उपयोग ले सकते हैं, ये मैंने आपको आज बताया है। और इसमें XML की ड्रीमवीवर में सुविधा होती है, मतलब HTML, XML, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल सीट हो गया, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज हो गई, ये सारी फैसिलिटी भी आपकी इसके अंदर मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रीमवीवर आप ले रहे हैं वो अधिकतम यूज होता है, हो सकता है उसको आपको परचेज करना पड़ता है, उससे बचने के लिए आप दूसरे प्रकार के भी टूल उपयोग ले सकते हैं। तो आज मैंने आपको वेब पब्लिशिंग टूल बताए हैं जो आपको वेबसाइट बनाने में बहुत अधिक उपयोगी रहेंगे। अगर आपको मेरे ये YouTube वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं और भी अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप देखिएगा, आपको और अच्छा लगेगा। धन्यवाद।